हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स के ऑफिशियल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, ठीक है, जिसमें हमें देखना है एएसएम चार्ट्स। ठीक है, तो एएसएम चार्ट्स क्या होते हैं, एएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लेट मी राइट ओवर हियर। तो एएसएम का फुल फॉर्म होता है अल्गोरिदमिक स्टेट मशीन। ठीक है, अल्गोरिदमिक स्टेट मशीन। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। हमने क्या पढ़ा है, फ्लो चार्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स हम क्यों बना रहे होते हैं, ताकि हमें प्रोग्राम समझ में आए कि किस फ्लो में जा रहा है। एंड प्रोग्राम क्या होता है, हमारी कोई सॉफ्टवेयर थिंग होती है ना। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो वर्क किसके लिए कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन ये जो एएसएम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लो चार्ट ही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट ही है, लेकिन किसके लिए है, हार्डवेयर के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हार्डवेयर के लिए जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उसको क्या बोल रहे थे हम, एएसएम चार्ट बोलते हैं। एंड एएसएम का फुल फॉर्म क्या है, हमारा अल्गोरिथमिक स्टेट मशीन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम डिजाइन करेंगे। एंड दिस इज द स्टार टॉपिक ऑफ योर यूनिट 4। मैंने आपको इसको बताया हुआ भी है कि आपको कौन से टॉपिक्स यूनिट 4 में बहुत अच्छे से पढ़ने। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमने सिक्वेंस के अंदर, सपोज सिक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर, तो वीडियो आपको देखनी है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। एंड देन दिस दैट थिंग विल बी हेल्पिंग यू हियर। ओके, इससे हमें क्या बनाना है, एएसएम चार्ट्स को डिजाइन करना है। तो आपको देखो, दो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो कि फिक्स होंगे। एंड वही दोनों पे भी आपको कोई भी आप दिख सकता है कि जो भी आप देखो, लाइक आपको जो भी क्वेश्चन होता है, लेट्स से और के अंदर भी, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है या तो आपका एएसएम, आपका एएसएम तो आता ही आता है, और आपके पीएलडीज़, ठीक है, पीएलडीज़ भी आते ही हैं। ठीक है, पीएलडीज़ के अंदर हमारे क्या है, पी रोम है हमारा, उसके बाद क्या है, पीएएल है, उसके बाद हमारा क्या है, पीएलए है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपदारी पीएलडीज़ के अंदर आती हैं। तो ये डिज़ाइन करने आता है, एंड एएसएम भी डिज़ाइन करने आता है। तो आपको इन दोनों के ही, आपको आप ऐसे कह सकते हो कि क्वेश्चंस दिखेंगे, तीन क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है एएसएम पे एक हो, पीएलडीज़ पर दो हो, पीएलडीज़ पर एक हो, एएसएम पर दो हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे। एंड आपको ऐसा ही मिलेगा पेपर के अंदर, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड हो सकता है आपको स्टेट रिडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आए, जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन फिक्स नहीं है, आपको यूनिट 3 के अंदर आए, यूनिट 4 के अंदर आए, पढ़ लिया है टॉपिक, कहीं पर भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए एएसएम के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा आप फोकस करो, बहुत ज्यादा ईजी टॉपिक है, इसके ऊपर आपके मार्क्स जाने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स आप समझ जाओगे तो आप डिजाइन करना सीख जाओगे। जैसे फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने देखा था, रेक्टेंगल होता है किसके लिए, प्रोसेस के लिए। हमारा ये वाला पैरेललोग्राम होता है किसके लिए, इनपुट के लिए, है ना। फिर हमने डिसीजन बॉक्स देखा था, फिर हम लूप्स वगैरह देख रहे थे, वो सब होता है फ्लो चार्ट में। एएसएम चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, देखो, सबसे पहला आपका होता है स्टेट बॉक्स। ठीक है, स्टेट बॉक्स, स्टेट मशीन है, डेफिनेटली स्टेट बॉक्स होना चाहिए। तो स्टेट बॉक्स क्या होता है, ये आपका ऐसा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी हमारी स्टेट होती है, ऑब्वियसली हम स्टेट से डील करने वाले हैं। स्टेट्स क्या होती हैं, S0, S1, S2, S3 जितनी भी हो सकती हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो S0 अगर सपोज जो भी हमारी स्टेट हो, तो वो स्टेट इसके अंदर डिफाइन हो रही होती है। लेट्स से S0 स्टेट है ये, ठीक है, एंड उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है, लेट्स से 0, 0, वो यहाँ पर डिफाइन हो रही होती है। तो ये क्या है, सिंपल आपका स्टेट बॉक्स है। ठीक है, आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एएसएम चार्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अभी यहां पर आप 3 कंपोनेंट्स के अंदर ऐसे शो करो। मास्टर सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से 2024 का और 2023 के जो पेपर्स हैं कुछ, वो सॉल्व करे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैंने वहां पर टू द पॉइंट, जैसे आपको क्वेश्चन मतलब आंसर लिखना है ना, मैंने वही आंसर शीट लिया है, उसी में आपको लिख के दिया है। तो पूरा मास्टर सॉल्यूशन अगर आपको वहां पर वीडियो भी मिल जाएगी एग्जाम के 1-2 दिन पहले, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, विच यू कैन ज्वाइन जस्ट बाय फिलिंग द डिस्क्रिप्शन फॉर्म विच इज़ देर इन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो गूगल फॉर्म आप अगर फिल कर लेते हो, कंप्यूटर या AIDS स्टूडेंट्स अगर आप हो, तो डेफिनेटली एंडसेम की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दैट उसकी जो गारंटी है आई विल बी गिविंग यू। तो चलिए, दैट्स ऑल द थिंग। तो स्टेट बॉक्स के लिए आपको समझ में आ गया स्टेट बॉक्स क्या होता है। सेकेंड कंपोनेंट आपका होता है डिसीजन बॉक्स। ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उससे लास्ट वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा कि हम या तो 0 दे रहे होते हैं या तो हम 1 दे रहे होते हैं। अगर हम 0 दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, तो वही चीज़ हमें जो है डिसाइड करनी है। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसीजन बॉक्स को कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो, डिसीजन बॉक्स हमारा कुछ ऐसा होता है डायमंड शेप में। ठीक है,
डायमंड शेप के अंदर होता है, सिम जैसे हम इफ एल्स के लिए कर रहे होते हैं। एंड अगर जो भी हमारी आउटपुट, जो भी हमारे इसके अंदर इनपुट आया है ना, तो वो हमें चेक करना है, जो एक्स है हमारा वो या वन है या जीरो है। अगर वन है तो हमें इधर आगे बढ़ना है, अगर जीरो है तो हमें इधर आगे बढ़ना है। तो ये होता है हमारा डिसीजन बॉक्स, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में। थर्ड चीज़ होती है हमारी कंडीशन, कंडीशन बॉक्स, ठीक है, कंडीशन बॉक्स। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये बहुत रेयरली यूज़ हम करेंगे। ये देखो, ये जो है इसको ऐसे दिखा रहे होते हैं हम, ऐसे ओवल टाइप शेप के अंदर। एंड जब हमारा आउटपुट वन होता है तभी इसको जो है ना यूज़ किया जाता है, जब हमारा आउटपुट वन होता है। और वो भी कहाँ, ज़्यादातर इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मीले, हमारी मीले मॉडल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, यही चीज़ें हैं जो थ्री कंपोनेंट्स हमें जानने थे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हम एग्जाम्स में आएंगे, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम चार्ट को बनाना है। सो लेट्स गो एंड सी दैट। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो इसका पूरा क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। डिजाइन ASM चार्ट फॉर 2-bit, ओके, 2-bit हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या 2-bit बाइनरी अप काउंटर, ठीक है। हमें क्या करनी है, हमें करनी है यहाँ पे अप काउंटिंग, ठीक है। ये है हमारा अप काउंटर जो हमें डिजाइन करना है। उसके अंदर ई जो है वो हमारी अनेबल लाइन है, ये क्या है, हमारी अनेबल लाइन है। उसमें हमें कंडीशन दी है, अगर ई वन है तो हमारी जो काउंटिंग है वो अनेबल होगी, यानी कि हम आगे बढ़ेंगे। ई अगर जीरो है तो हमारी जो काउंटिंग है वो डिसेबल हो जाएगी, यानी कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आ गया। तो इस चीज को हमें देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसके लिए हमें बनाना होगा स्टेट डायग्राम, एंड देन उसके बाद हम बना देंगे हमारा ASM चार्ट। तो इसके लिए हम स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हमें बोला है क्या है, 2-bit है। तो अगर 2-bit है तो मेरे मुझे बताओ कि 4 स्टेट हमारे पास स्टेट्स कितने होंगे, मैंने आपको बता ही दिया। तो डेफिनेटली स्टेट्स आपके हो रहे होंगे 4 स्टेट्स। कैसे, मैं आपको बताती हूं। देखो 2 bits है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, या 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है, 1-1 हो सकता है। तो कितने स्टेट्स हो गई आपकी, यहां पे 4 स्टेट्स हो गई। तो यही 4 स्टेट्स आपकी कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो ये पहले हमने डिसाइड कर लिया, तो हमारी कौन सी स्टेट्स हैं, हम इसको यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे है हमारी 0-0, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 0-1, ठीक है। आप कोई भी मैनर में बना सकते हो, यहाँ पे 0-1 आ गई, यहाँ पर आप बना सकते हो क्या 1-0, यहाँ पर आप बना सकते हो क्या 1-1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपको दी है वो ध्यान में रखनी है। इज इक्वल टू 0 है तो आपकी अनेबल हो जाएगी काउंटिंग। इसका मतलब अगर हमारी यहाँ पर ई अगर 1 होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ई अगर हमारी 1 होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलर में ई अगर 1 होगी तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सिमिलर पैटर्न में हम कहां चले जाएंगे, लास्ट में जब हमारी ई 1 होगी, क्योंकि 4 है ना तो हमेशा कैसी काउंटिंग होगी, 0-1-2-3, 0-1-2-3, ऐसी कुछ काउंटिंग हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हमने कर लिया। लेकिन अगर हमारा ई इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ई अगर इक्वल टू 0 है तो हमेशा याद रखो हमारी काउंटिंग अगर डिजेबल हो रही है, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ होता है होल्ड, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर डिजेबल्ड ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ई 0 होगा फॉर 0-0 तो हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 0-1 का भी कहाँ चला जाएगा, हमारी फर्स्ट स्टेट पर चला जाएगा ई अगर 0 है तो। अगर 1-0 का है तो भी हमारा इधर चला जाएगा, एंड वी हैव टू राइट ई इज इक्वल टू 0। एंड हमेशा हर टाइम पे हमारा जो 0 पे है ना, हमारा इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में हम उसी पे चले जाएंगे, क्योंकि स्टेट क्या हो रही है यहाँ पर, काउंटिंग क्या हो रही है, डिजेबल्ड हो रही है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला स्टेट डायग्राम बनाने का काम तो हमारा हो गया, एंड दैट इज द थिंग विच विल बी हेल्पिंग यू फॉर ASM, ठीक है, मेकिंग ASM। तो सबसे पहले ये देख लो हमारे पास स्टेट्स कितनी है, हमारे पास स्टेट्स होंगी 1, 2, 3, 4 स्टेट्स हो रही होंगी। तो हमारी स्टेट्स कैसी होती हैं, S0 होती है, S1 होती है, S2, S3 हो जाएंगी, है ना। तो ये स्टेट्स को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट बॉक्स जो था हमारा उसका यूज़ करेंगे। तो देखो स्टेट बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टेट बॉक्स, ठीक है। स्टेट बॉक्स में हमारा क्या आएगा, ये लेट्स से इसके अंदर आ रहे हैं हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो पहला स्टेट बॉक्स है S0, जिसमें हमारी वैल्यू है 0-0, ठीक है, 0-0। देखो ध्यान से सुनो हमें कैसे करना है। अब अगर हम 0-0 पे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो 0 पे ही है या तो फिर हम एक कदम 1 से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना होगा डिसीजन बॉक्स का यूज। तो डिसीजन बॉक्स के लिए हम कहां आ जाएंगे, डिसीजन बॉक्स के लिए उसका सिंबल यूज करेंगे। हम क्या है, यहां पर इस वक्त हमारी वैल्यू है E, ठीक है।
स्मॉल ई है तो स्मॉल ई लिख लो, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो वन है या तो जीरो है, तो यहाँ पे वन लिख लो, यहाँ जीरो लिख लो, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम जीरो पे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस से इसी स्टेट पर जा रहे हैं, राइट। तो इधर मैं थोड़ा सा एस नॉट को यहाँ पर चाहो तो अंदर लिख लो, ठीक है, ये एस नॉट है हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो दे रही हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, उसी स्टेट पर हूँ ना, तो मैं वापस से उसी स्टेट पर यहाँ पर चली जाऊँगी, ये याद रखना, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी दे सकते हो और चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। आप जहां दो लेकिन इसको यहां पर आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या किया, समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। जीरो अगर है तो हम कहां पर आ गए, ठीक है। अब अगर वन है, देखो वन है तो हम कहां पर जा रहे हैं, ये जीरो जीरो पे अगर वन है तो हम जीरो वन पे चले जा रहे हैं, इसका मतलब अब हमें दूसरे स्टेट की जरूरत है। तो वन से हम कहां जा रहे हैं, वन से जा रहे हैं हम दूसरी स्टेट पे, ठीक है। ये दूसरी स्टेट है हमारी जो कि है एस वन, ये एस वन है, राइट, हमारी ये एस वन है, तो ये क्या है, जीरो वन है हमारी, ओके। तो अगर हम एस वन पे चले जा रहे हैं, अब वापस से अगर हम एस वन पे खड़े हैं तो हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, दो कंडीशन है, ये एरो दिखाना भूलना मत। तो दो कंडीशंस क्या है हमारी, ये है हमारी ये डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो हमारा जो ई है या तो हमारा जीरो हो सकता है या फिर हमारा वन हो सकता है। तो अगर जीरो होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, वापस से हम इसी पर जा रहे हैं ना, इसी पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम वन पे हैं, देखो जीरो वन पे अगर हम वन दे रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, वन जीरो पे जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरे स्टेट बॉक्स की अब जरूरत है, ठीक है। कैसे करना है, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया हमारा दूसरा स्टेट बॉक्स जो कि हमारा है एस टू और जो कि है यहाँ पे सॉरी वन जीरो, ओके। अब यहाँ पर आ गए, अब देखो यहाँ पर इसका जीरो भी हो गया, इसका वन भी हो गया, एरोज दिखा दिए। अब हम एस टू पे खड़े हैं वन जीरो, अगेन इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अगेन यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे हम डिसीजन बॉक्स, ठीक है। डिसीजन बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा इसका वन। अब वापस से यहाँ पर अगर जीरो है तो हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो जीरो पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वापस इसको कनेक्ट कर देंगे। और अगर वन है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट पर जा रहे हैं जो कि है हमारी वन वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पर हमारा आ जाएगा दूसरा स्टेट बॉक्स, ठीक है, जो कि है हमारा लास्ट एस थ्री, है ना। इसके लिए वैल्यू क्या है हमारी, वन वन वैल्यू है, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे एरो से। अब S3 पर हैं, अगर हम जीरो दे रहे हैं तो कहाँ आ जा रहे हैं, इधर ही आ जा रहे हैं, ठीक है। S3 पे अगर हम जीरो, लेट्स मेक द हियर द डिसीजन बॉक्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरी जगह ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर मैंने इसको बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर बनाती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पर आएगा क्या, या तो जीरो होगा या फिर होगा वन, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं वन, तो अगर जीरो है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्या, ये इधर ही चला गया, ठीक है, ओ यहाँ पर देखो जीरो पे चला गया। अब अगर वन है, वन है तो कहाँ पर जा रहा है, ये जीरो पे जा रहा है अगेन, राइट। तो इसके लिए हम कहाँ पर दिखा रहे होंगे, इसके लिए हम आ रहे होंगे यहाँ से, एंड वी हैव टू शो इट लाइक दिस हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएंगे हम कहाँ पे, ये वन के पास, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एएसएम चार्ट्स आप ऐसे ही बनाते हो, जस्ट स्टेट डायग्राम्स देख देख के आपको आगे बढ़ना होता है। ज़्यादातर स्टेट बॉक्स और कंडीशन बॉक्स का ही यूज़ हो रहा होता है हमारे, सॉरी स्टेट बॉक्स और डिसीजन बॉक्स का ही हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। कंडीशन बॉक्स हमारा आउटपुट जब जीरो वन होता है तब हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। तो आपको ऐसे ही करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बोला, अगर होल्ड है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नाउ सी, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सजा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ आपको यही मिलेगी, अगर x1 है तो आपको काउंट करना है और अगर x0 है तो आपको होल्ड करना है। तो इस केस में आपको स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर भी आपके टू ही बिट हैं, तो हमारे पास कितने स्टेट्स हो जाएंगे, फोर स्टेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका वन स्टेट, टू स्टेट, थ्री स्टेट एंड फोर स्टेट। गेन यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है और यहाँ पे वन वन है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमारा एक्स वन है तो हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर एक्स वन है तो काउंटिंग हो गई, एक्स वन है तो यहाँ पर क्या हो गई, काउंटिंग हो गई, यहाँ पर भी एक्स वन है तो आगे बढ़ गए, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। अब अगर होल्ड कंडीशन है तो क्या करना है, तो जीरो पर हम कहाँ जा रहे होंगे, तो देखो जीरो जीरो पे हैं तो हम एक्स के लिए जीरो पे इधर ही आ रहे होंगे। होल्ड का मतलब क्या, क्या उसी स्टेट पर हैं हम, क्या है उसी स्टेट पर है। तो देखो जीरो वन पे है तो हम उसी स्टेट पर रहेंगे अगर हमारा एक्स जीरो है तो, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो वन जीरो में भी हम उसी स्टेट पर रहेंगे अगर हमारा एक्स जीरो आ गया तो, ये वन वन पर भी हम उसी स्टेट पर रहेंगे अगर हमारा आउटपुट जो है वो अगर हमारा जीरो मिल गया है तो, ठीक है। बस ये हो गया हमारा क्या, स्टेट डायग्राम। चाहे तो अब इसका स्टेट एएसएम बना के देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपली बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा क्या, पहला वाला, ठीक है, ये हमारा एस नॉट होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एस नॉट,
क्लियर ना, इसको हम कैसे डिजाइन डिफाइन कर रहे हैं, जीरो जीरो। तो इसके लिए दो कंडीशन आ जाएंगी हमारी डिसीजन के लिए, तो ये आ गया। और हमारे पास क्या है इस वक्त, वेरिएबल एक्स है, तो हमारे पास जीरो भी हो सकता है, हमारे पास वन भी हो सकता है। तो मुझे बताओ अगर जीरो है तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जीरो है तो चले जा रहे हैं एस नॉट पे, ठीक है। अगर चाहें तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखो ये है, अगर एस अगर हमारा जीरो है तो हम कहाँ चले गए, एस नॉट पे चले गए, ठीक है, एस नॉट पे चले गए। अब अगर वन है, देखो अगर वन है तो एस नॉट पे हम कहाँ आ गए, हम दूसरी स्टेट पर आ गए, तो दूसरे स्टेट बॉक्स बनाएंगे उसको डिफाइन करने के लिए, जो कि हमारा है एस वन, और यहाँ पर क्या है हमारा जीरो वन है इसकी वैल्यू। तो अगर हम एस वन पे खड़े हैं तो अगर हमारे पास वापस से दो चीज़ें हैं यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए, जो कि हमारा एक्स है, तो अगर जीरो है तो क्या करना है और अगर वन है तो क्या करना है। अब अगर जीरो है तो हम कहाँ खड़े हैं, उसी पे स्टेट पे खड़े हैं, तो हम इस वक्त हम कहां चले जाएंगे, जीरो है तो हम इसी स्टेट पर चले जाएंगे S1 पे, और वन है तो अब हम आ जाएंगे दूसरे स्टेट पे। समझ में आ रहा है? तो देखो वन है तो हम आ गए कहां पे, S2 पे आ गए। सिमिलर पैटर्न में हमें क्या करना है, डिसीजन बॉक्स को बनाना है X के, तो यहां पर है हमारा जीरो और यहां पर है हमारा वन। तो अगर जीरो है तो वापस देखो कि हम कौन सी स्टेट पर है, उसी स्टेट पर है, तो हम वापस से उसी स्टेट पर आ जाएंगे। एरोज एरोज डोंट बी, इसको भूलना मत, ओके। तो ये हो गए। तो अब यहाँ पर अब अगर वन पे हैं तो वापस से हमें कहाँ जाना है, वन वन पे जाना है, तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बॉक्स बना लेंगे जो कि है एस थ्री, जो कि है वन वन। एस टू क्या था हमारा, वन जीरो था। तो वापस एस थ्री पे आके दो चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर हम बना लेंगे डिसीजन बॉक्स एक्स के लिए, यहाँ पर है जीरो और यहाँ पर है वन। अगर जीरो पे हैं तो हम कहाँ पर हैं, उसी स्टेट पर हैं, तो हम उसी स्टेट पर हैं, ठीक है, हम उसी स्टेट पर हैं। और अगर वन है तो हम कहाँ चले जा रहे हैं, जीरो जीरो वाले पे, यानी कि इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए, यहाँ पर बना लेंगे। देखो अगर आप चाहो तो यहां से इसको कर लो, एंड यहां पर आप क्या करोगे, इसको S1 यहां पर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। S1 को मैंने कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे आपको बनाने हैं ये सेम चार्ट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और मैं आपको क्वेश्चन जो है ना होमवर्क दे देती हूँ, प्लीज आप उसको कर लेना। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज PYQ also, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मास्टर सोल्यूशन के अंदर है, जो कि आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, ठीक है। ये क्या है, देखो टू बिट अप डाउन काउंटर है, ठीक है, जिसमें आपको मोड दिए हैं, एम वन होगा तो आपको अप काउंटिंग करनी है, एम जीरो होगा तो डाउन काउंटिंग करनी है। रिमेंबर सर्किट शुड गिव आउटपुट वन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट, दैट्स इट, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम काउंट के लिए आपको जो है आउटपुट को वन देना है, क्लियर। तो बस इतनी चीजें आपको देनी है ध्यान, एंड दैट्स ऑल। आपको इसका डायग्राम बनाना है, स्टेट डायग्राम, एंड आपको बनाना है इसका ASM चार्ट। तो प्लीज ट्राई दिस, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आपको कैसे आ सकते हैं, आपको मोड थ्री के लिए भी आ सकते हैं, तो वो वाला एक मैं आपको डिजाइन करके बताती हूं। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिजाइन ASM चार्ट फॉर मॉड 3 अप काउंटर, ठीक है, अप काउंटर। तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है, क्या 3 बिट है ना यहाँ पर, 3 है ना यहाँ पर 3, तो आपको सिंपल यूज करना है क्या, यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 0, ठीक है। तो अगर आपका 1 है तो आपको बढ़ जाना है आगे, ठीक है। अब जैसे कि आप काउंटर है, तो आप काउंटर का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो अगर 0 होगा तो ये इधर रहेगा, 0 है तो ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, दैट्स इट। अब आपको इसका छोटू सा ASM चार्ट जो है वो बना देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपका ASM का जो टॉपिक है वो बस इनसे जो है ना क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ASM डायग्राम जो है ना, ASM डायग्राम, ये स्टेट डायग्राम, ये आपको गिवन ऑफ, देन आपको ASM चार्ट बनाना हो, तो आपका तो एक काम वही हो जाएगा, ठीक है। जहां पर गलती होने की पॉसिबिलिटी थी वही खत्म हो जाएगी। तो ASM चार्ट आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, एंड दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ये यूनिट सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हमारी लॉजिक फैमिली है, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर वाले यूनिट्स हैं, ईजी है हमारे यूनिट। जस्ट DLD का यूनिट 3 थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ एंड पे था, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 4 भी हमारा जो है ऐसी कंप्लीट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन योर PLDs, ठीक है। उसमें हम PROM देखेंगे, PLA देखेंगे, PAL देखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ASM चार्ट के लिए इतने प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ, ओके। चलिए दैट्स इट। अगर आपको नोट्स चाहिए, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।